गैंगस्टर की कुंडली खंगालने में जुटी यूपी सरकार। एसआईटी खोलेगी पुलिस माफिया के गठजोड़ का राज। परिवार और सहयोगियों पर दर्ज होगा मनी लॉन्ड्रिंग का केस। बेनामी संपत्ति का पता लगाएंगे इनकम टैक्स अधिकारी। गैंगस्टर विकास दुबे के सहयोगियों और परिवार पर जांच का शिकंजा कसता जा रहा है। योगी सरकार ने गैंगस्टर विकास दुबे के उदय और 8 पुलिस कर्मियों की हत्या की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है। एसआईटी विकास दुबे की कॉल डिटेल खंगालेगी। ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि विकास दुबे के गिरोह के स्थानीय पुलिस से क्या क्या संबंध थे, पुलिस दुबे पर चल रहे केस और कार्रवाई को लेकर पुलिस की क्या भूमिका रही, विकास दुबे और उसके साथियों को सजा दिलाने की कोशिश की गई या नहीं, विकास और उसके साथियों पर गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट सहित दूसरी संगीन धाराओं में कार्रवाई क्यों नहीं की गई, गैंगस्टर किसकी लापरवाही से गंभीर आरोपों के बाद भी खुला घूमता रहा। गठन के साथ ही एसआईटी हरकत में आई और अधिकारी आज विकास दुबे के गाँव पहुँचे। ईडी अधिकारी गैंगस्टर की चल अचल संपत्ति की जांच और आर्थिक अपराध की जांच कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक विकास दुबे और उसके करीबी जय वाजपेयी के पास कानपुर और उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों के अलावा उत्तराखंड, मुंबई और नोएडा में करीब 2 दर्जन से ज्यादा प्लॉट और मकान है। जय वाजपेयी ने दुबई और बैंकॉक में करीब 25 करोड़ के 2 आशियाने खरीद रखे हैं। माना जा रहा है जय वाजपेयी कानपुर का एक बड़ा उद्योगपति है और विकास दुबे के लिए प्रॉपर्टी डीलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का काम करता था। आयकर विभाग की बेनामी संपत्ति विंग भी विकास के पैन नंबर के जरिए जानकारी खंगालने में जुट गई है। इस बीच मुंबई में गिरफ्तार किए गए विकास दुबे के साथी गुड्डन त्रिवेदी को भी कानपुर पुलिस ने क्लीन चिट दे दी है। कानपुर पुलिस की ओर से जारी प्रेस नोट में कहा गया कि चौबेपुर शूटआउट केस में गुड्डन त्रिवेदी का नाम है या नहीं। ये वही गुड्डन त्रिवेदी है जिसकी तलाश में यूपी पुलिस ने देश भर में पोस्टर चिपकवाए थे। मुस्तफा रंजे सिंह और कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।